हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग प्रिडिक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स शुरू करते हैं चैप्टर। इस चैप्टर के जो वन मार्कर क्वेश्चन है वो पहले देख लेते हैं कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स करना शुरू किए तो इतने सारे एलिमेंट्स थे, करीब 40 से 50 60 एलिमेंट करीब थे उस समय। तो उसको कैसे उसको याद करें या कैसे उसको समझें, क्योंकि कई एलिमेंट थे तो उसकी प्रॉपर्टी दूसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टी के जैसे सिमिलर होती थी, तो उस समय किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उस समय शुरुआत में जो एक दो कोशिश जो हुई उसमें से ये दो कोशिश यहाँ पर बुक में दिया हुआ है उसको हम लोग आज डिस्कस करते हैं। एक तो है डोबोनेस का ट्रायड। तो इसने क्या किया कि उसने तीन ग्रुप बना ही, सिर्फ तीन ग्रुप बना पाया उसने, वो है लिथियम का ग्रुप, कैल्शियम का ग्रुप और क्लोरिन का ग्रुप। तो उसने लिथियम सोडियम पोटेशियम को उसने प्लेस किया एक ग्रुप में, और उसने क्या इसका रीजन लिया कि इनका जो एटॉमिक जो वेट है किसका, मिडिल वाले का, वो जो है उसके बाकी दोनों के जो है एवरेज है, ठीक है। तो उसने क्या किया, द मास ऑफ द मिडिल वन वाज रफली द एवरेज ऑफ द अदर टू। तो इन हिज ग्रुप विच ही फॉर्म इट इज कॉल्ड ट्रायड्स, है ना। तीन तीन का ग्रुप था तो ट्रायड्स उसने बोला, और ऐसे उसने सिर्फ तीन ही ग्रुप बना पाए। उसमें एक ग्रुप में जैसे ये तीन एलिमेंट्स है लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो सोडियम का जो मास है वो लिथियम और पोटेशियम का मास का एवरेज है। सिमिलरली कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम में स्ट्रॉन्शियम का मास कैल्शियम और बेरियम का रफली एवरेज है, और वैसे ही ब्रोमीन का मास क्लोरीन और आयोडीन के मास का एवरेज है। सो दिस वॉज द डोबोनेस ट्रायड, बट इट कुड नॉट, इट वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल बिकॉज उसने सिर्फ तीन ही ऐसे ग्रुप बना पाया, ज्यादा नहीं बना पाया। सेकेंड जो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इसमें जो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में इसकी जो प्रॉपर्टी उसने क्या यूज किया कि एवरी एट एलिमेंट हैज प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। तो आज की डेट में अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखते हो तो यहाँ से शुरू करो लिथियम से, तो यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। उस समय ये नोबल गैसेस नहीं था, इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो ये ग्रुप को उस समय हटा दो तो ये आठवां एलिमेंट हो गया। तो सोडियम की प्रॉपर्टी लिथियम से मिलती जुलती है, ऐसे करके उसने जो है मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी बेरिलियम से मिलती जुलती है, तो ये उसने डिस्कवर किया। तो उसने इसका जो है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, म्यूजिक में होता है ऑक्टेव्स, तो उसके ऊपर उसने नाम रख करके ये रूल ग्रुप बना दिया कि एवरी एट एलिमेंट हैज प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। और एग्जाम्पल में लिथियम एंड सोडियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम जो है, लिथियम सोडियम बेरिलियम मैग्नीशियम, ये एग्जाम्पल हो गए उसके। तो सोडियम जो है वो एट एलिमेंट है आफ्टर द लिथियम, और वैसे मैग्नीशियम जो बेरिलियम के बाद में एट एलिमेंट है। लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, ये एक इंपॉर्टेंट है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है भी कब तक का लॉ ऑफ ऑक्टेव कहाँ तक वैलिड है, तो वो अप टू कैल्शियम तक वैलिड है। कैल्शियम में आप देखते हैं कि ये जो सेकेंड और थर्ड पीरियड इसमें आठ आठ एलिमेंट है, तो यहाँ तक जो है ठीक है। ये मैग्नीशियम का जो है प्रॉपर्टी, कैल्शियम भी जो है उसका भी सिमिलर प्रॉपर्टी है, और कैल्शियम एट एलिमेंट हो गया। कैल्शियम के बाद में क्या है कि अब आठ एलिमेंट है ही नहीं ग्रुप में, अब वो डी ब्लॉक एलिमेंट भी आ गए, तो उसके बाद वो जो प्रॉपर्टी वो मैच नहीं हो रही थी उसकी, तो ये जो है लॉ ऑफ ऑक्टेव कैल्शियम के बाद जो है वो फेल हो गया। एंड विद द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस लॉ ऑफ ऑक्टेव बिकम्स इरिलेवेंट ऑल्सो। फिर बाद में जब नोबल गैसेस डिस्कवरी हुई तो अब ये वाला तो एट एलिमेंट तो पर रहा नहीं, अब तो नाइन्थ एलिमेंट हो गया। यहाँ से काउंट करके तो नोबल गैसेस आ गए, ये नियॉन आ गया, तो ये नाइन्थ हो गया, तो लॉ ऑफ ऑक्टेव का जो रिलेवेंस है वही खत्म हो गया, ठीक। और ये क्या है, लाइटर एलिमेंट्स, उस समय जो ये सब लाइट एलिमेंट्स ही थे ना जिनका वेट कम है, तो उसी में वो वैलिड था, बाकी कुछ उसमें कुछ सक्सेस ज्यादा उसको भी नहीं मिला। स्टूडेंट नेक्स्ट, जो मेंडेलिस पीरियोडिक टेबल जो है वो इट वॉज वाइडली एक्सेप्टेड बाई एवरीबडी बिकॉज ही वेरी फर्स्ट टाइम जो है उसने जो काम किया, वेरी फर्स्ट टाइम उसने पर्टिकुलर टेबल में ग्रुप्स बनाया और हॉरिजॉन्टल रोज है उसको पीरियड्स उसको नाम दिया, और उसमें उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटमिक मासेस उस समय। तो उसका जो पीरियड टेबल का जो वो है रूल है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, ये उसका जो है रूल था, प्रिंसिपल था, और उसके हिसाब से उसने ग्रुप बनाए अरेंज किया। तो
वर्टिकल कॉलम्स वेर कॉल्ड ग्रुप्स और हॉरिजॉन्टल वेर पेयर्स एंड एलिमेंट्स विद सिमिलर एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज फॉल अंडर द सेम ग्रुप। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जो एक ग्रुप होता है ग्रुप में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स ग्रुप में थे उनकी सिमिलर जो है इट वॉज फाउंड, बट देर वेर सम एनोमलीज ऑन इन दिस पीरियडिक टेबल एंड अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वी आर डिस्कसिंग दिस एनोमलीज एंड मेरिट्स। तो एनोमलीज क्या था, हायर एटॉमिक मास कोबाल्ट अपीयर्ड बिफोर निकल एंड वैनेडियम बिफोर क्रोमियम। उसके टेबल में जो है वो कोबाल्ट जो है वो निकल के पहले आया, वो यहाँ भी है बट उसमें कोबाल्ट का एटॉमिक मास निकल से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। और सेम वाज विद दी वैनेडियम एंड क्रोमियम। तो ये जो है एनोमली उस समय आ गई बिकॉज ही वॉज अरेंजिंग दिस एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, और यहाँ पर दो एनोमली थे, एक तो ये आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा एनोमली था कि हाइड्रोजन के लिए कोई करेक्ट पोजिशन जो है अलॉट नहीं हुई थी बिकॉज हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अल्काली मेटल के जैसी प्रॉपर्टी शो करता है और एक इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन की जैसी प्रॉपर्टी भी शो कर देता है। तो उसके लिए प्रॉपर पोजिशन तब भी नहीं थी और अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है, बट ये उसमें एनोमली में आ जाता है। फिर आइसोटोप्स वेर प्लेस्ड इन सेम पोजीशन डिस्पाइट हैविंग डिफरेंट मासेस। आइसोटोप्स का आपको मालूम होगा डेफिनेशन, आइसोटोप्स क्या है कि सेम एलिमेंट के दो अलग अलग जो है वेरिएंट होते हैं जिसके एटॉमिक मासेस जो है डिफरेंट होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का हो गया तो हाइड्रोजन को प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम, तो प्रोटियम में एक प्रोटॉन है, ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, और ट्रिटियम में एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है। तो वो जो आइसोटोप्स हो गए तो एटॉमिक मासेस के जो है फॉर्म में जब अरेंज करते हैं तो आइसोटोप्स को भी दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पर आइसोटोप्स वेर प्लेस इन सेम पोजीशन डिस्पाइट हैविंग डिफरेंट मासेस, तो उसने एक ही जगह में आइसोटोप्स को भी रख दिया था, ये उसकी एनोमली है। मेरिट्स जो है उसकी सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है उसका मेरिट्स, मेंडेलिस लेफ्ट सम ब्लैंक स्पेसेस प्रेडिक्टिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। उसने क्या किया, जो टेबल बनाया तो टेबल में उसने कुछ जगह उसने खाली छोड़ दी, जब उसको लगा कि यहाँ पर जो एलिमेंट आना चाहिए वो एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुआ है या नहीं मिल रहा है, तो उसने जगह को भरने के बजाय उसने खाली छोड़ दिया। और बहुत ही बोल्डली उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि ये जो एलिमेंट है ये अभी डिस्कवर नहीं हुआ है बट इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी ऐसी ऐसी होनी चाहिए और उसका मास लगभग ये होना चाहिए, और उसने उसको एक जो है नाम भी दे दिया। जैसे उसने तीन उसने बताया कि इका बोरोन, इका अलूमिनियम, इका सिलिकॉन। इका जो उसने वर्ड जो है एक संस्कृत से लिया हुआ है, इका वर्ड जो है एक, तो एक इका अलूमिनियम, ये रहा इका अलूमिनियम की के नीचे में उसने जगह छोड़ दिया ये, और एका सिलिकॉन, तो सिलिकॉन के नीचे यहाँ उसने जगह छोड़ दिया खाली कि ये एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुआ है, जब भी डिस्कवर होगा तो उसकी प्रॉपर्टी ऐसी ऐसी होगी। एंड इट वॉज फाउंड रियली वेरी करेक्ट दैट वेन स्कैंडियम गैलियम जर्मेनियम वेर डिस्कवर्ड देयर प्रॉपर्टीज वेर फाउंड टू बी सिमिलर विच ही प्रिडिक्टेड एट दैट टाइम। सो दिस वॉज अ वेरी पॉजिटिव आस्पेक्ट ऑफ मेंडेलिस पीरियडिक टेबल एंड दैट्स वाई इट वॉज वाइडली एक्सेप्टेड बाई एवरीबडी फ्रैटर्निटी इन द साइंटिस्ट कम्युनिटी। ओके, बट देन लेटर ऑन मॉडर्न पीरियडिक टेबल आया, उसमें मोस्टली ने डिस्कवर किया कि जो उसने एक्सरे के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो एट दैट टाइम वी डिस्कवर कि जो एटमिक नंबर है वो ज़्यादा जो है बेसिक प्रॉपर्टी है, और उसके हिसाब से अगर पीरियडिक टेबल बनाया जाए अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटमिक नंबर देन वी कैन मेक इट मोर एक्यूरेट एंड करेक्ट इन द ग्रुपिंग एंड विद द पेयर्स। तो स्टूडेंट्स, मॉडर्न पीरियडिक टेबल का जो बेसिस है एलिमेंट्स को ग्रुपिंग करने का वो है एटॉमिक नंबर। तो उसकी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। अब एटॉमिक नंबर से क्या मीनिंग है अपना, एटॉमिक नंबर से मतलब है कि जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अंदर में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो उसका एटॉमिक नंबर है, ठीक। और जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं बाहर आउटर सेल में, मतलब पूरे इलेक्ट्रॉन्स में पूरे एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जितने प्रोटॉन होते हैं, तो ओवरऑल एटम जो है वो न्यूट्रल हो गया। तो एटॉमिक नंबर मतलब दैट वाज नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक, क्योंकि एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं होता है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आयन्स में जैसे कम हो गए या ज्यादा हो गए बट एटॉमिक नंबर आयन का सेम रहेगा, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ पीरियड्स शोज नंबर ऑफ सेल्स एनर्जी लेवल इन एन एलिमेंट इन दैट पीरियड। क्या हो रहा है,
कि जो नंबर ऑफ शेल्स हैं, नंबर ऑफ पीरियड्स हैं, जैसे कि ये है सोडियम लिया आपने या सब लिथियम ले लिया, तो पीरियड क्या है, सेकंड पीरियड में है ये, तो सेकंड पीरियड में है तो वो क्या होगा कि इट विल शो द नंबर ऑफ शेल्स या एनर्जी लेवल। लिथियम सेकंड पीरियड में है तो हम बोलेंगे कि जो सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके पास में दो शेल हैं, के और एल, ठीक है। तो नंबर ऑफ पीरियड्स अगर टू है तो के और एल शेल रहेगा, ठीक है। पीरियड टू है तो के और एल शेल रहेगा, थर्ड पीरियड है तो के एल एम शेल रहेगा। ये उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी बोल रहा है कि वो जो है नंबर ऑफ पीरियड शोज इन नंबर ऑफ शेल्स। और बेसिकली नंबर ऑफ शेल क्या है, शेल बेसिकली क्या, वो एनर्जी लेवल है। शेल क्या है, एनर्जी लेवल है, ठीक है। जैसे कि एक ये न्यूक्लियस हो गया, तो ये पहला शेल हो गया के, फिर ये एल शेल हो गया। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग है। तो इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी और ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो शेल होता है ये इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल को बेसिकली शो करता है कि उसकी एनर्जी कितनी होगी। वो आगे हम बड़ी क्लास में जाओगे तब आप पढ़ोगे उसको, क्लास 11 में। तो ये बेसिकली नंबर ऑफ शेल शो करता है। फिर नंबर ऑफ ग्रुप शोज द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट इन दैट ग्रुप। तो नंबर ऑफ ग्रुप जो है ये जो है 1, 2, 13, 14, ये क्या शो करता है, ये हमको एक इंडिकेट करता है कि वैलेंसी कितनी होगी। कि जैसे फर्स्ट ग्रुप में है तो हम बोलेंगे कि उसके वैलेंसी 1 है, 1 मतलब कि वो उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड ग्रुप में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर यहाँ 13 में आ जाओगे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ये इंडिकेट करता है ग्रुप की नंबर ऑफ, उसकी वैलेंसी कितनी होगी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ग्रुप शोज द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। वैलेंसी और वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों अलग अलग चीज है। वैलेंसी क्या है, वैलेंसी जो है इंक्रीज होती है ना। वैलेंसी जो है वो इंक्रीज होती है +1 से लेके +4 तक, उसके बाद -3, -2, -1 और 0, ऐसे करके डिक्रीज होती जाती है। मतलब फर्स्ट ग्रुप में जो है इसकी वैलेंसी जो है +1 हो गई, सेकेंड ग्रुप की वैलेंसी +2 हो गई, फिर 13 में आओगे तो इसकी वैलेंसी +3 हो जाएगी, +4 हो जाएगी, फिर नाइट्रोजन की -3, ऑक्सीजन की -2, इसकी -1 और ये 0। इसकी वैलेंसी जो है वेरिएबल है, वो आप अगले मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। ये अभी जो हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं उसमें, तो ये वैलेंसी हम बोलते हैं कि अलोंग द पीरियड वैलेंसी इन फर्स्ट इंक्रीजेस अप टू 4 एंड देन डिक्रीजेस। फिर थर्ड जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल कितने हो सकते हैं, कोई भी एक शेल जैसे ये एल है या एम, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में नहीं होते हैं बट उसके पास में उतनी जगह है तो वो कितने हो सकते हैं। तो 2n², एन इज द नंबर ऑफ शेल, तो के शेल में कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में ये सेकंड नंबर, तो 2 2 4, 2 8, 3 3 9, 2 18, ऐसे करके जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 2n² हो सकते हैं, बट होते नहीं है, हो सकते हैं, वह हमेशा नहीं होते हैं। फिर पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन ए पीरियड, इन ए पीरियड टेबल टेल्स अबाउट द केमिकल रिएक्टिविटी। जैसे कि ये लाइट मेटल्स में जो अल्काली मेटल्स फर्स्ट ग्रुप में है, तो हमको पता है कि ये इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, वो उसको रिलीज कर देता है और ये जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव रहता है इसलिए। और जैसे डाउन द पीरियड जाओगे तो उसके नंबर ऑफ जो है सेल्स बढ़ते जाएंगे, तो जो लास्ट जो शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो और ज्यादा लूज हो जाता है और इसीलिए निकल जाता है, इसलिए वो और ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। तो जो पोजिशन है पीरियड टेबल वो हमको जो है उसकी रिएक्टिविटी के बारे में शो करता है। नाउ ट्रेंड्स कैसे वैरी करता है, तो वैलेंसी जैसे वैरी करती है, तो वैलेंसी मैंने बताया कि फर्स्ट जो है वैलेंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है एंड देन डिक्रीज होती है। +1 2 +4 जो है इंक्रीज होगा और देन फिर डिक्रीज होगा, ऐसे करके 0 तक डिक्रीज हो जाएगा। 0 किसका, नोबल गैस का है। फिर एटॉमिक रेडियस, अच्छा वैलेंसी जो है अलोंग द ग्रुप वैलेंसी सेम रहेगी, खाली पीरियड में वैरी करती है। तो
एटॉमिक रेडियस क्या है? एटॉमिक रेडियस जैसे जैसे बिलो द ग्रुप आप जाओगे, इन द सेम ग्रुप एज सून एज यू गो डाउन द ग्रुप यू फाइंड दैट द नंबर ऑफ सेल्स आर एडेड अप। थर्ड पीरियड में आओगे तो तीन सेल है, फोर्थ पीरियड में फोर सेल हो जाएंगे, फाइव में फाइव सेल। तो आपको पता है कि जब सेल बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली रेडियस जो है बढ़ते जाएगा। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, ठीक। एंड अलोंग द पीरियड व्हेन यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कोई भी एक पीरियड ले लो आप, थर्ड पीरियड ले लो, इसमें आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होते जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते जा रहे हैं न्यूक्लियस में। यहाँ पर 11 प्रोटॉन है, 12 प्रोटॉन हो गया, 13 प्रोटॉन हो गया, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 13 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इंक्रीज होते जाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी जो है वो उसके ऊपर ज़्यादा अट्रैक्टिव जो है फोर्स इसका न्यूक्लियस का रहेगा और वो थोड़ा थोड़ा जो है श्रिंक होते जाएगा, इसलिए उसका रेडियस जो है कम होते जाता है अलॉन्ग द पीरियड, ठीक है। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज, तो मेटालिक प्रॉपर्टीज में हम लोग देखते हैं कि ये जो है एलिमेंट्स, ये मेटालॉइड्स है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोरियम, ये जो है मेटालॉइड्स है, इनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के दोनों के जैसे रहती है। तो इसके लेफ्ट साइड में जितने भी है वो सारे के सारे जो है मेटल्स है। तो एक बार फिर से बता देता हूँ आपको कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये वन फर्स्ट ग्रुप और टू ग्रुप जो है, ये दो जो है ये जो है लाइट मेटल्स बोलते हैं, ये हेवी मेटल्स की कैटेगरी में आ जाता है। उसके बाद यहाँ से जो है ये अल्यूमिनियम, गैलियम, ये टीन, लेड, ये मेटल की कैटेगरी में है, ये मेटालॉइड हो गए, और फिर ये नॉन मेटल्स हो गए इधर में, और लास्ट में तो जो है ये गैसेस है ना, नॉन मेटल्स में वो गैस हो गई। फिर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी हम देखते हैं कि ये, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि इनकी टेंडेंसी टू लूज, जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जैसे कि सपोज लिथियम है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये Li प्लस बन जाएगा। तो Li प्लस बनने से क्या हो गया, इसका कॉन्फिग्रेशन हीलियम के बराबर हो गया। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका कॉन्फिग्रेशन नियॉन के जैसे हो जाएगा। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर लेते हैं। फिर वैसे ही जो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है वो दो इलेक्ट्रॉन लूज करके इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन उनको मिल जाता है। तो इलेक्ट्रॉन तो लूज करने की टेंडेंसी लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स की ज़्यादा रहती है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी राइट साइड के एलिमेंट की ज़्यादा रहती है। पहली बात तो ये हो गया। अब लूज करने की टेंडेंसी हम कैसे वैरी करती है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड एंड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अगेन वही रीजन, एटॉमिक रेडियस क्या है, बढ़ते जाएगा। न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स है उनके उनकी जो अट्रैक्टिव पावर है, जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो है उसमें थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा। उसके वेरियस रीजंस है, शील्डिंग इफेक्ट है, काफ़ी सारे रीजंस है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है उसके ऊपर इसका जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इसलिए वो थोड़ा सा भी उसको एनर्जी मिलेगा तो वो निकल जाता है एटम से, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है। तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड। सिमिलरली टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, नाउ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज अलोंग द पीरियड एंड टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप। क्योंकि जब न्यूक्लियस की उसमें अट्रैक्शन ही कम रहेगा आउटर मोस्ट सेल में, तो वो और इलेक्ट्रॉन कैसे गेन करेगा, और कर ही नहीं पाएगा। तो अलोंग डाउन द ग्रुप जो है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज एंड अलोंग द पीरियड टेंडेंसी टू जो है गेन इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। नाउ वी कंक्लूड आवर चैप्टर कि ये जो लेफ्ट साइड में है इलेक्ट्रोनिगेटिव पॉजिटिव एलिमेंट्स है, लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर
डिक्रीजेस लॉन्ग द पीरियड, है ना। और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी डिटेल में है, तो आप मेरा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का वीडियो उसको आप देख लो, उसमें मैंने पूरा अच्छे से उसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब इस चैप्टर के ऊपर में मैंने एक और वीडियो बनाया है, वो एक्स वाई जेड टाइप क्वेश्चन, उसको आप देखोगे तो उसको आपको बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा, कि उसमें मैंने डिटेल में पूरा डिस्कस किया हुआ है सारी प्रॉपर्टीज को, कैसे अपने को क्वेश्चन में यूज़ करना है।